how to fix portrait mode issues problem in any OnePlus series. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने OnePlus की डिवाइस में पोर्ट्रेट मोड इश्यूज प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका जो पोर्ट्रेट मोड है काम नहीं कर रहा है, या फिर बैकग्राउंड पे ब्लर करने के काम नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों पोर्ट्रेट मोड का जो सेटिंग है वह उसी में काम आते हैं। जब आप फोटो क्लिक करते हैं तब आपका बैकग्राउंड रहते हैं वो उसको ब्लर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप दोस्तों इस वीडियो को देख सकते हैं, और कैसे यूजेस होता है इसका मैं आपको ये भी बताऊँगा, सेटिंग कहाँ पर है, ठीक है, वो भी मैं आपको इस वीडियो पर ही बताने वाला हूँ, और उसके साथ आपको सॉल्यूशन भी दूँगा, ठीक है। तो कंप्लीट वीडियो को देखें, जो भी सॉल्यूशन होगा उसको फॉलो करें, आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है, अगर आपका पोर्ट्रेट मोड पे इशू हो रहा है, सबसे पहले तो डिवाइस को रिस्टार्ट कीजिए, उसके बाद जाइए सेटिंग पर, स्क्रॉल डाउन करके ऐप एंड नोटिफिकेशन पे जाइए, सी ऑल ऐप्स पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद आपका कैमरा को ओपन कीजिए। कैमरा पे जाने के बाद दोस्तों स्टोरेज एंड कैश पर क्लिक करना है, क्लियर स्टोरेज पर क्लिक करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको बैक करना है, उसके बाद जाना है परमिशन, सारे परमिशन अलाउ कर देना है, और उसके बाद बैक कीजिए। बैक करने के बाद डिवाइस को रिस्टार्ट करें, एंड एंड चेक करके देखिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले आप सॉल्यूशन को फॉलो करके देखें, एंड देन कैमरा को ओपन कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट मोड सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको बता रहा है प्लेस द ऑब्जेक्ट 1 to 7 feet अवे, ठीक है, तो आपको उतना दूरी बना के रखना है। और यहाँ पे जो है दोस्तों आपका पोर्ट्रेट मोड साइड में आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्ट आते हैं सामने में पोर्ट्रेट मोड पे, वही ब्लर होते हैं, वही जो है दोस्तों फोकस करते हैं, ठीक है, बाकी सारे जो बैकग्राउंड पे यहाँ पे चीज़ें होते हैं उसको ब्लर कर देते हैं। तो सिंपली दोस्तों इस तरीके से ये काम करते हैं। तो इसका जो यूजर्स है, इसका जो सेटिंग है, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों चेक करें, अगर आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका है, पोर्ट्रेट मोड आप यूज़ कर पा रहे हैं तो ठीक है। अगर अभी भी आपको प्रॉब्लम आते हैं तो दोस्तों डिवाइस को आप जो है सेफ मोड पे रिबूट कीजिए। उसके लिए पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करना है, पावर ऑफ के बटन को 2 सेकंड क्लिक करके रखना है और ओके कर देना है, ठीक है। जैसे ओके करेगा आपका मोबाइल सेफ मोड पे रिबूट हो जाएगा, एंड देन आपका प्रॉब्लम सॉल्व। तो इस तरीके से आप अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बाय एनी चांस मान लीजिए अभी भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, पोर्ट्रेट मोड का इशू आ रहा है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जाना है सेटिंग, स्क्रॉल डाउन करना है, सिस्टम पर क्लिक करना है, और मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट करने का टाइम हो चुका है, क्योंकि दोस्तों इस तरीके का बिहेवियर तब होते हैं जब आपका मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होते, ठीक है। तो मोबाइल सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है, और उसी के साथ आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने पोर्ट्रेट मोड इश्यूज़ प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो जो है पसंद आएगा। आज के लिए बस इतने ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।